हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिमन्यु शर्मा और आप सब देख रहे हैं मिक्स फॉर फन। फ्रेंड्स, मेरे पास जूनियर इंजीनियर आरआरबी जूनियर इंजीनियर की फुल सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस जो है वो आ चुकी है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CN3 2018, जो कि जूनियर आरआरबी जूनियर इंजीनियर की है। आपको दिखा देता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं डेट ऑफ पब्लिकेशन 29/12/2018 है और आपका रजिस्ट्रेशन जो है 2 जनवरी 2019 से लेकर 31 जनवरी 2019 तक होगा। पेमेंट डेट लास्ट डेट है ऑफलाइन आपका 4 फरवरी 2019 तक और ऑनलाइन 5 फरवरी 2019 तक। एंड सारे प्रोसेस इसके 7 फरवरी तक हो जाने चाहिए और आपका जो एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल और मई के बीच में कभी भी स्टार्ट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसकी सिलेबस पे ले चलता हूँ, आप देख लीजिए। हाँ, तो यहाँ फ्रेंड्स देख लीजिए कि आपका लिखा हुआ है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ CBT 1, जो कि कॉमन पेपर रहेगा आपका, 4 स्टेज में आपका जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। आपको मैं शुरू से दिखा देता हूँ कि ओनली सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब आपके पास जो 4 पोस्ट हैं आप उसमें से किसी एक के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। आप चारों में अप्लाई करने से आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जो कि फर्स्ट स्टेज है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड सेकंड स्टेज भी है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और आपका जो फर्स्ट स्टेज है वो 100 नंबर का होगा, 90 मिनट्स आपको इसके लिए मिलेगा। फर्स्ट स्टेज सिर्फ आपका स्क्रीनिंग है, जिसमें कि आपका कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। उसके बाद आपको सेकेंड स्टेज में शॉर्टलिस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जो कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ द मार्क्स के बाद होगा। तो मैथमेटिक्स में आप देख लीजिए कि आपके क्या क्या है, नंबर सिस्टम है, बोर्ड मास है, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, एलसीएम एंड एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री, स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज, कैलकुलेशंस, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप्स एंड सिस्टर्न, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपका एनालॉगीज है, एनालॉजीज, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप, साइलोलिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशेंसी, कंक्लूजन्स एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स एंड अजम्पशंस एट्सेट्रा। और आपका जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है वो है नॉलेज ऑफ करेंट अफेयर्स, करेंट अफेयर्स आपको पता होने चाहिए, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरमेंटल इश्यूज़ कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड, स्पोर्ट्स, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एट्सेट्रा। फिर आपका जनरल साइंस, जो कि 10th स्टैंडर्ड तक के होंगे और जो कि CBSE का फुल पैटर्न क्लास 10th का फॉलो करेगा। आपका मार्क्स जो है डिस्ट्रीब्यूशन वो इस प्रकार है, मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस से 30 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन। और उसके मार्क्स भी मतलब कि 1 नंबर हर एक क्वेश्चन के लिए है और टोटल टाइम जो है वो 90 मिनट आपको मिलेगा। आपका जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्वालिफाइंग है वो है जनरल के लिए 40%, OBC के लिए 30%, SC के लिए भी 30% और ST के लिए 25% है। और फिजिकली पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए है 2% एक्स्ट्रा, जो कि 2% एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। सेकेंड स्टेज जो है वो आपका है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपको फर्स्ट स्टेज के बाद, और
वो 1:15 के रेशियो में है, मतलब आपका जैसे 14,000 वैकेंसीज है तो आपका 14,000 × 15 टोटल, मतलब लगभग 2,10,000 के आसपास आपका के लोग लिए जाएंगे। आपका ड्यूरेशन जो है 120 मिनट मिलेगा, 150 क्वेश्चंस टोटल, जनरल अवेयरनेस रहेगा आपका। सिलेबस मैं बता देता हूँ स्टेज टू के लिए भी, जनरल अवेयरनेस जो कि आपका सिलेबस सेम रहेगा उसमें, फिज़िक्स और केमिस्ट्री 10th स्टैंडर्ड तक के, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर्स, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज़, यूनिक्स, लिनक्स, एमएस ऑफिस, वेरियस डाटा रिप्रेजेंटेशन, इंटरनेट एंड ईमेल, वेबसाइट्स एंड ब्राउजर्स एंड कंप्यूटर वायरस, बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, आपका बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट, एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल स्ट्रेटजीज, एयर वाटर एंड नॉइज़ पोल्यूशन, देयर इफेक्ट एंड कंट्रोल, वेस्ट मैनेजमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ओजोन डिप्लीशन, और आपका टेक्निकल एबिलिटीज से द एडुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन अगेंस्ट ईच पोस्ट शोन इन एनेक्शर ए हैव बीन ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट एग्जाम ग्रुप्स एज बिलो। क्वेश्चंस ऑन द टेक्निकल एबिलिटीज विल बी फ्रेम्ड इन द सिलेबस डिफाइंड फॉर वेरियस एग्जाम ग्रुप्स गिवन एट एनेक्शर 7 ABCDEFG। तो आपका देख सकते हैं कि आपका जो जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन, फिजिक्स मैथ से 10-15 क्वेश्चन, कंप्यूटर्स एप्लीकेशन से 10 क्वेश्चन, और एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल से 10 क्वेश्चन, और आपका टेक्निकल एबिलिटी से टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, मतलब टोटल 150 क्वेश्चन जो कि 120 मिनट में आपको करने हैं। और आपका मिनिमम परसेंटेज क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 40% जनरल के लिए, 30% OBC, 30% SC और 25% ST के लिए है, और 2% एक्स्ट्रा छूट जो है वो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए मिलेगा। आपका ग्रुप जो है वो इस प्रकार है कि आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, मैकेट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल मशीनिंग, टूल्स एंड मशीनिंग, टूल्स एंड डाई मेकिंग, कम्बिनेशन ऑफ एनी स्ट्रीम ऑन द बेसिस ऑफ अबव डिसिप्लिन जो कि मैकेनिकल और एलाइड इंजीनियरिंग में आएगा। मतलब कि ये सारे जो अभी मैंने इंजीनियरिंग ब्रांचेस के नाम बताएं वो सारे आपके मैकेनिकल और एलाइड इंजीनियरिंग के अंदर ही आएगा, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वो सारे आपके इलेक्ट्रिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग के अंदर आएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इससे रिलेटेड सारे इंजीनियरिंग वो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आएंगे, और सिविल इंजीनियरिंग और इससे रिलेटेड इंजीनियरिंग, BSc इन सिविल इंजीनियरिंग ऑफ 3 ईयर्स, वो सारे आपके सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आएगा। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का वो अलग है, वो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के अंदर आएगा। BSc वालों के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री मस्ट है आपका, वो आपका अलग ग्रुप है। एडुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो BE BTech, ये थर्ड ग्रुप है जो कि आपका BE BTech है। कंप्यूटर साइंस में BE BTech इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, PG, BSc, BCA या फिर आपका 3 साल का बी लेवल का एक कोर्स होता है DOEACC। शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर सेकेंड स्टेज, शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द DA शैल बी बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज मार्क्स आफ्टर ऑब्टेन्ड ऑब्टेन्ड बाई देम इन सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद जो मार्क्स आएगा वो उससे आपका क्वालिफाइंग मार्क्स बनेगा। द नॉर्मलाइजेशन स्कीम टू बी अडॉप्टेड फॉर शॉर्टलिस्टिंग द कैंडिडेट्स फ्रॉम स्टेज 1 CBT टू सेकेंड स्टेज CBT एंड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन स्टेज टू के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, आप अगर क्वालिफाई करते हैं तो।
normalization of the marks. Whenever CBT is conducted in multiple sessions for the same syllabus, the raw marks obtained by the candidates in different sessions will be converted to normalized marks. अब और फिर यहाँ पर आपका कैलकुलेशन ऑफ कैसे कैलकुलेशन होता है नॉर्मलाइज मार्क्स के लिए मल्टी सेशन मतलब सारे पेपर्स का मिलाकर वो आपका यहाँ पर दिया हुआ है। आप एक बार मैं बढ़ा देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा आपको इसके लिए कैसे अप्लाई करना है। वो आपको अपना ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है आपको। और जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है, आपको कलर्ड फोटोग्राफ जो कि जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए 20 से 50 KB के अंदर, और आपका सिग्नेचर भी जेपीईजी फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए 10 से 40 KB के अंदर। तो ये है आपका सिलेबस फ्रेंड CBT 1 और 2 के लिए, RRB JEE के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी सिलेबस पता चले, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं आपको RRB JEE से रिलेटेड और भी अपडेट्स लाता रहूं और आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।